Audio Jungle. नमस्कार, मैं सारिका राठौड़, आवाज जनता के न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। पिलानी विद्या विहार नगर पालिका में राशन डीलरों द्वारा राशन कार्ड में गड़बड़ी की जांच, पर्वतक निरीक्षक अधिकारी द्वारा FIR दर्ज कराई गई। झुंझुनू पर्वतक निरीक्षक बबीता यादव मौके पर पहुंची। राशन डीलर कई वर्षों से फर्जी तरीके से उठा रहा था लाभ। झुंझुनू समेत पूरे राजस्थान में फैला हो सकता है राशन डीलरों का ये स्कैम। एक्चुअल हमने बयान लिया सभी उपभोक्ताओं के और 34 राशन कार्ड उपभोक्ताओं में से 31 को हमने सीज किया है कार्रवाई के लिए। उस कार्रवाई के हमने कार्रवाई यानी FIR करवा दी है। 13 लोगों के खिलाफ हमने FIR कल करवाई है, परसों हुई है FIR 13 लोगों के खिलाफ। यानी जो जो इस भी स्कैम में संलिप्त था, बढ़ाने में, फर्जी उठाने में, किसकी ID से उठे हैं, कौन ई मित्राज हैं, उन सभी के खिलाफ हमने FIR करवाई है। तो इसमें टोटल 13 लोग इंक्लूड हैं FIR में, यानी आरोपी जो बनाए गए हैं वो 13 बने हैं। इस तरह से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे राशन कार्ड डिलीट हुए हैं, वो ID EO की बता रहे हैं, नगर पालिका EO की मिसयूज हुई होगी, दुरुपयोग हुई होगी, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो हमारा नहीं है। बट जो डिलीटेड राशन कार्ड आ रहे हैं वो EO की ID से डिलीट होकर आ रहे हैं। अब रही बात, जो जिन भी उपभोक्ता ने पिछले मंथ गेहूँ लिया था, यानी बेनिफिशरी हैं वो, उनको इस मंथ उनका राशन कार्ड डिलीट बता रहा है। तो वो हम सभी के एक उसमें ले रहे हैं कि किन किन के डिलीट हुए हैं, आवेदन ले रहे हैं उन सभी से, और उसके बाद में हम वहां से DS ऑफिस एक्टिव करेंगे और यस भी करेंगे और इस मंथ उनके गेहूं दिलवाएंगे। कोई भी जो उपभोक्ता है वो वंचित नहीं रहेगा राशन से, हम सभी को राशन दिलाएंगे। ये है नंबर दो। ये है कि जिनकी भी फर्जी यूनिट से राशन उठा है उसकी अलग से कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन जारी है, FIR उन पे भी है। टोटल विद्या विहार में लगभग 8000 यूनिट फर्जी यूनिट जोड़ी गई है राशन कार्डों में, यानी 600 राशन कार्डों में 402 में है, एक FPS पे, और एक 400 राशन कार्ड में 202 राशन कार्डों में फर्जी यूनिट्स जोड़ी गई हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है कि उनसे कितना गेहूं निकाला जा चुका है, उसका आकलन प्रक्रियाधीन है, किन किन उपभोक्ताओं का है। और ऑन बिहाफ ऑफ 34 वी हैव टू लॉज FIR, हमने उन्हीं के आधार पर करवाई है क्योंकि वो हमारे लिए पुख्ता सबूत है उन्हीं के आधार पे। बाकी जैसे जैसे हमारे पास इन सब लोग जो भी बता रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट ये हैं और ये इतनी फर्जी बनाई गई है, उनके हम आवेदन ले रहे हैं, वो भी हम अटैचमेंट करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक और है, हमने एक ऑर्डर निकाला है और हम जो FIR